हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि कोटक डेबिट कार्ड ईएमआई की लिमिट आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो आपको रिक्वेस्ट करना होगा, तो कैसे रिक्वेस्ट करना है हमें अपने लिमिट के लिए और कैसे बढ़ाना है, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक कर देना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसी ही कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम जानते हैं हमारी लिमिट को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। आपकी लिमिट कितनी भी हो फ्रेंड्स, 15 हो या 20 हो, आप उसका डबल कर सकते हो या आप उसका आधा और बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स अपने अकाउंट में चले जाना, ये वेबसाइट का आपको मैं बता दूंगा लास्ट के अंदर आपको कैसे मिलेगा। आप इसके अंदर कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से कैसे आपको ये रिक्वेस्ट करना है। तो देखिए, यहाँ हमें जाना है फ्रेंड्स पेमेंट के सेक्शन के ऊपर, अकाउंट है, अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो अकाउंट पे क्लिक करोगे तो माय क्वेश्चन इज नॉट लिस्टेड हियर पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये मैं आपको आगे जाके लास्ट में बताऊंगा इस वेबसाइट पे आपको कैसे जाना है, कैसे आपको सब रिक्वेस्ट करना है। तो पहले आपको देख लेना हम क्या कर रहे हैं। तो माय क्वेश्चन इज नॉट लिस्टेड हियर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद वॉज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लिख के आएगा, तो आपको नो नीड मोर हेल्प पे क्लिक करना है। तो देखिए, यहाँ एक ईमेल अस और कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें ईमेल अस पे क्लिक करना है। तो अभी हमें ऐसा फॉर्म खुल के आ गया, ये फॉर्म से ही आपको रिक्वेस्ट करना है आपके इंक्रीज़ करने के लिए लिमिट। तो पहले कौन सा कस्टमर है आपको सेलेक्ट करना है, तो हम एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो एग्जिस्टिंग करना है। और ये ऐटो फिल करने के लिए बोलता है, ऐटो फिल को आपको लो कर ला है। तो अब आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका नेम आएगा तो आपको अपना नाम डाल लेना है। तो जो हमारा कोटक के डेबिट कार्ड में नेम होता है सेम टू सेम, आपको वही देख के डाल लेना है। और उसके बाद हमारा देखिए इधर मोबाइल नंबर आएगा, जो रजिस्टर हमारा मोबाइल नंबर होता है वही आपको डालना है। इसके बाद आपको अपनी जीमेल आईडी डाल लेना है फ्रेंड्स, अगर आपकी रजिस्टर जीमेल आईडी आप डालोगे तो चलेगा फ्रेंड्स। अब हमको यहाँ लिखना है बॉक्स के अंदर, प्लीज़ इंक्रीज माय डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट। तो आपको सब्जेक्ट में भी लिख लेना ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर सब्जेक्ट का लाइन है फ्रेंड्स, उस पर अभी लिखा नहीं, तो आपको लिख लेना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लीज़ इंक्रीज माई कोटक डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट। आपको ऐसा लिख लेना है बॉक्स के अंदर, तो हमारा इसमें क्वेरी आएगा प्लीज़ इंक्रीज माई कोटक डेबिट कार्ड ईएमआई लिमिट। इतना लिखने के बाद आपको देख लेना है आपने सब कुछ सही से लिखा है कि नहीं, और आपको सेंड करना है। तो आप कहाँ सेंड करोगे वो देख लीजिए, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन में सेलेक्ट कर लेना है पहले आपको, और सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम सबमिट करेंगे हमारा जो ये प्रोसेस है वो हो जाता है इंक्रीज़ के लिए जो हमने रिक्वेस्ट किया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग और डिटेल्स, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन 2 वर्किंग डेज। तो हमारा 2 वर्किंग डेज के अंदर बोल रहे हैं, उसके अंदर ही हो जाता है फ्रेंड, जल्द से जल्द हमारा इधर रिप्लाई आ जाता है और जो हमारा लिमिट के लिए रिक्वेस्ट किया है वो हो जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपकी बढ़ जाएगी, अगर आपका कम है तो आपकी जो लिमिट है उतने ही रहने वाली। तो आपका सिविल स्कोर चेक करना है, 750 के ऊपर रहती है, 700 से तो आपको आराम से मिल जाएगा, 750 तक का तो इंक्रीज़ हो जाती है। और आपको ट्रांजैक्शन करते रहना है, आप जितना भी ईएमआई से सामान लोगे तो आपकी ईएमआई लिमिट वैसे भी बढ़ जाती है। तो आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर भी है, और ऐसा करके आप रिक्वेस्ट करके भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अब वेबसाइट पे आप कैसे जाओगे वो आपको बताने वाला, तो आपको क्रोम में जाना है और वहाँ आपको सर्च बार में लिखना है। तो चलिए, आपको सर्च बार में क्रोम में लिखना है क्या, देखिए हमको ऐसा एक आ जाएगा ईमेल, आप जब भी करोगे तो आपको रिफ्रेश करना है, बैंक अलर्ट थैंक यू फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, हमारा यहाँ आ गया। और ये जो हमने रिक्वेस्ट किया था, हमारा कोटक की तरफ से कन्फर्मेशन ईमेल है, हमारा रिक्वेस्ट पहुँच चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे को कैसे वो वेबसाइट पे जाना है। तो कोटक की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको क्या करना है, क्रोम में जाके आपको सर्च करना है कोटक बैंक ईमेल आईडी, तो आपको वो शो होएगा फ्रेंड्स, तो वो वेबसाइट आपको दिख जाएगी। ऊपर ही आपको उस पर क्लिक करके जो मैंने आपको जैसा स्टेप बताया वैसा आपको सेम टू सेम करना है। दोस्तों, आपको डेबिट कार्ड ईएमआई पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर करना, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहती है।